सिंगर नेहा कक्कड़ की शादी के बाद अब किसी की शादी लाइमलाइट में बनी हुई है तो वो है आदित्य नारायण। आदित्य नारायण 1 दिसंबर को अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड श्वेता अग्रवाल से शादी करने वाले हैं। दोनों की शादी मुंबई के एक मंदिर में होने वाली है जिसमें महज परिवार वाले ही शामिल हो सकेंगे। और शादी से पहले अब आदित्य और श्वेता की शादी की रस्में भी शुरू हो चुकी हैं। जी हां, रविवार को आदित्य के घर पर दोनों की तिलक सेरेमनी रखी गई, जिसकी कुछ इनसाइड तस्वीरें और वीडियोस अब सामने भी आ चुकी हैं। आदित्य के फैन पेज से लगातार उनकी और श्वेता की तिलक सेरेमनी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हाल ही में एक वीडियो भी सामने आया जिसमें स्टेज पर बैठे हुए आदित्य और श्वेता को आशीर्वाद देने उनके पिता उदित नारायण और उनकी मम्मी भी पहुंची। बेटी की शादी की खुशी पापा उदित नारायण के चेहरे पर साफ साफ देखी जा सकती है। वही अब जरा यहाँ भी देखिए इस प्यारे से जोड़े को, दोनों का एक दूसरे के प्रति प्यार देखकर तो फैंस भी दोनों पर फिदा हो रहे हैं और कह रहे हैं कि नजर ना लगे। अब जरा यहाँ भी देखिए तिलक सेरेमनी के बाद डांस करते पूरे परिवार और दोस्तों को। आदित्य की शादी की शहनाइयां तो बज गईं और वो अपनी दुल्हनिया को घर ले जाने के लिए बिल्कुल ही तैयार बैठे हैं। लेकिन क्या आदित्य की शादी में उनकी सबसे करीबी रही शख्स नेहा कक्कड़ भी आएंगी या नहीं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। अब ये तो सभी जानते हैं कि इंडियन आइडल के सेट पर दोनों की बॉन्डिंग कैसी थी। आदित्य के परिवार वाले तक नेहा को पसंद करते थे। हालांकि अब नेहा की शादी हो चुकी है, वहीं आदित्य की शादी में आने वाले गेस्ट की लिस्ट भी बेहद ही लिमिटेड है और घर के खासम खास ही शादी में शरीक हो सकेंगे। आपको बता दें कि आदित्य और श्वेता 1 दिसंबर की दोपहर मुंबई के एक मंदिर में ट्रेडिशनल रीति रिवाज के साथ सात फेरे लेने वाले हैं। इस शादी में महज 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे क्योंकि कोरोना गाइडलाइन के चलते ज्यादा लोगों को परमिशन नहीं मिली है। शादी के बाद मुंबई के 5-स्टार होटल में एक ग्रैंड रिसेप्शन भी रखा गया है जिसमें शामिल होने के लिए अमिताभ बच्चन और पीएम नरेंद्र मोदी को भी न्योता भेजा गया है। इसके अलावा इसमें कई बड़ी बड़ी हस्तियां भी शामिल होने वाली हैं। ऐसे में क्या पता कि नेहा शादी में ना सही लेकिन रिसेप्शन पार्टी में ही नजर आए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या आदित्य की शादी में नेहा आएंगी या नहीं? जरूर शेयर कीजिए अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में।